नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को जरूर दबा दें, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, आप थंबनेल जो मैंने एक फ़ोटो लगाया है ऊपर, इसको देख कर आप समझ गए कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो देखिए, तीन गाड़ी सबसे बेस्ट है फिलहाल और उनको कुछ बदलाव है, आप क्या सोचते हैं और सबसे गलती कहाँ करते हैं बड़ी। देखिए, आप टाटा लीलैंड और आइसर फिलहाल मार्केट में सबसे ज़्यादा गाड़ी चल रही, और अब भारत बैंक आ गई या फिर और बहुत सी गाड़ियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गाड़ी चलने वाली है टाटा और लीलैंड। लेकिन अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आइसर गाड़ी को लेते हैं। वो क्यों लेते हैं कि उसका जो है प्राइस कम है, उसका जो है किस्त कम भरनी पड़ती है, कम दिन चलती है। देखिए, उसको गाड़ी को लेने से कोई नुकसान नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप पैसे देखते हो तो उसमें नुकसान नहीं है, अगर आप पैसे नहीं देखते तो उसमें नुकसान है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे 3-4 साल या 5 साल तक चलानी है तो आइसर गाड़ी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक लंबे टाइम तक गाड़ी चलानी तो आइसर की गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि वो गाड़ी जल्दी ही डैमेज हो जाती है। उसके सभी पार्ट जल्दी, सभी टायर। अब मान लीजिए एक गाड़ी हमने ली थी आइसर गाड़ी, नई गाड़ी ली थी और उस गाड़ी को मैंने चलाया था, तो सभी तो टायर उसके जो है साइड दबाने लगे, खाने लगे और सभी टायर ऐसे हो गए, गंजे हो गए सभी टायर। तो हम उस गाड़ी को जो है एजेंसी में ले गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे ही रहेंगे। मैंने बोले भाई इस जो भी टायर है पूरे एक्सलों को सेट कर दो कि नहीं होंगे। तो देखिए, ये एजेंसी का भी बहुत बड़ा बुरा हाल है, वो सुनते भी नहीं है गाड़ी में अगर मिस्टेक है तो। अब यहाँ पर बात करते हैं टाटा की। देखिए, टाटा की गाड़ी को सबसे बेहतर माना जाता है और वो गाड़ी 5 साल तक मैंने उस गाड़ी के साथ रहा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं आई। बस टायर फटना या फिर पंचर होना ये तो एक आम बात है, कोई प्रेशर पाइप वगैरह ये फट जाना तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है जैसे कोई गैर बक्सा फटना। लीलैंड गाड़ी का जो है कभी भी गैर बक्सा नहीं फटता है, उसका जो है एक स्ट्रॉन्ग गैर बक्सा होता है। लीलैंड या टाटा, ये दोनों गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया होती है। और अब जो गाड़ी आ रही है एक भारत बैंक गाड़ी, वो भी बढ़िया गाड़ी आ रही है, मैंने फ़िलहाल उसको नहीं चलाया लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केट में वो गाड़ी चल रही है भारत बैंक की, तो उस गाड़ी को आप ले सकते हैं। अगर आपको लंबे टाइम तक कोई गाड़ी चलानी है तो आप टाटा या लीलैंड, ज़्यादातर आप टाटा की गाड़ी को ले सकते हैं। आइसर की गाड़ी को लेने की गलतियाँ बिल्कुल ना करें अगर आपको लंबे टूर तक कोई गाड़ी चलानी है तो। ये क्या है कि कोई आपको लोभ दे दे, अलग दे कि ये 2-4 लाख रुपए सस्ती आ रही है, तो वो एक ही गलत बात है, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ड्राइवर को प्रॉब्लम होती है उस गाड़ी को चलाने में, बार बार प्रॉब्लम पैसे लगाने में। और टाटा गाड़ी को एक बार ख़रीद लिया तो कई साल तक आप उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे तरीके से गाड़ी चलती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, आपने मेरी वीडियो देखी, इतनी वीडियो बनी हुई है टाटा की गाड़ी, क्योंकि मैंने उस गाड़ी में कभी कोई मिस्टेक नहीं देखी। अच्छी गाड़ी चलती थी, अच्छा ओरेज देती थी, अच्छा चक्कर लगाती थी, अच्छा पैसे कमाती थी। देखिए, ये है आइसर गाड़ी, अगर आप चढ़ाई में चढ़ाओगे तो वो स्पेशल गियर में चढ़ेगी, और टाटा की गाड़ी दूसरे गियर तीसरे गियर में भी चढ़ जाएगी, उसमें दम भी कम होता है और टाटा की गाड़ी में बहुत जान होती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, पसंद आया तो लाइक कर देना और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी।